सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर आज फतेहाबाद पहुंचे और फतेहाबाद में बड़े काफिले के साथ रोड शो किया। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही गांव भोड़ा में उनका शानदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गांव भोड़ा में पहुंचे और अशोक तंवर का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 400 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो जरूर पूरा होगा और सिरसा में लाखों की मतों से जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। कांग्रेसी नेत्री कुमारी शैलजा के उनके सामने सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बोलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि जो लोग 20 वर्ष पहले मैदान छोड़कर चले गए हों, नहीं लगता कि कोई भी वापस लौटेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी मैदान में उतर जाए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की हार की गारंटी है। जीत की गारंटी तो केवल मोदी की गारंटी के साथ है। इलेक्टोरल बैंड को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने फिर से दोहराया कि देश की जनता एक बार फिर से भाजपा को जिताएगी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बधाई सिरसा की जनता की है। मैं समझता हूँ कि जनता जो फैसला करती है उसी के हिसाब से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। आज विकसित भारत 2047 तक बने, उसकी बुनियाद जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी, प्रदेश में मनोहर लाल जी ने रखी, मैं समझता हूँ कि ये उसी का नतीजा है, ये उसी विश्वास की गारंटी है कि आज पूरा दिल्ली से मैं चला था और सब जगह इसी तरीके से गर्मजोशी के साथ वो हुआ। और कहते हैं सर्दी में गर्मी का एहसास आप देख सकते हैं कि अभी तो गर्मी आई नहीं लेकिन पसीने छूट रहे हैं। जब हमारे पसीने छूट रहे तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? तो 400 पार का आंकड़ा निश्चित तौर पर पूरा होगा और ये सिरसा की जो सीट है ऐतिहासिक वोट से जिता करके ये लोग आदरणीय मोदी जी को तोहफा देंगे। कमल के फूल का निशान उसी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये बात तो ठीक है कि जिस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हो, आज हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष हैं भाई ग्रोवा जी, हमारी बहन नेताशा जी, सारी सीनियर लीडरशिप है, बिल्कुल जी, हमारे रामचंद्र जी, हमारे आदरणीय चोपड़ा साहब ओएसडी जो रहे हैं, सारे जिले के आदित्य चौटाला जी, सभी हमारे अग्नि संगठन युवा के, हमारे महिला मोर्चा, हमारे किसान मजदूर, सब प्रकोष्ठ एवीपी के साथी, सब लोग यहाँ पर आए हैं और ये तो एक दिन के नोटिस पे है। मैं तो हमारे दोनों अध्यक्षों को और सारी लीडरशिप को कह रहा था दो चार दिन और हमें मौका दो, थोड़ा सा हम भी मोबिलाइज करेंगे। ये बोले हमारा संगठन नीचे तक है तो मोबिलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। तो नए पुराने सभी साथी जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये सच्चाई में उनका ट्रेलर है और भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है अपना अंदरूनी कि भाई कम से कम इस बार हर सांसद वो कम से कम 5 लाख वोटों से जीते, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सिरसा की सीट भी 5 लाख से बड़े मार्जिन के साथ जीत करके देखिए। जो लोग आज से 20 साल पहले मैदान छोड़ करके चले गए हों, मुझे नहीं लगता कि वो मैदान में दोबारा कहीं भी कोई भी आएगा। और इस बात को सब जानते हैं, मेरे को किसी कांग्रेसी उम्मीदवार ने कहा कि जी हमने तो ऊपर कह दिया टिकट किसी को भी दो, हारना सबने, कोई 5 से हारेगा, कोई 4 से हारेगा, कोई 10 से हारेगा, पता नहीं कितने कितने से हारे। तो हार की गारंटी है यहाँ पर इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की, जीत की कोई गारंटी है? जीत की गारंटी तो मोदी की गारंटी के साथ चलती है। आप पहले यहाँ से कांग्रेस से भी सांसद रह चुके हैं और आपका ये पुराना कर्म क्षेत्र रहा है, तो आपको यहाँ के दिखते और यहाँ पे जो जिस प्रकार का जो कार्य है आपको पता है, तो क्या प्राथमिकता रहने वाली है? प्राथमिकता लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सांसद का काम ये होता है कि बड़े प्रोजेक्ट इलाके में आए। जब हम यहाँ पर थे, ये जो हाईवे बना जिससे इस बार फ्लड के दौरान सिरसा फतेहाबाद दोनों बचे, ये शुरुआत तो काम की हमने हुई और हमें ये लगता था भाई ये काम पूरा नहीं करेगी मोदी सरकार, जब आ गई तो काम रोकेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का कि इस काम को बहुत फास्ट गति से उन्होंने पूरा किया, और भी पेंडिंग काम होगा, प्लांट का काम है वो चल रहा है। इसी तरीके से भविष्य में ये फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद के लोग रेल की सिटी की आवाज सुनना चाहते हैं,
तो अगरोहा फतेहाबाद जो नई रेलवे लाइन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो तोहफा इस इलाके को दे। और मोदी जी ने ये कहा भी है कि अगले 5 साल रेलवे का अभूतपूर्व काम होगा, तो जब अभूतपूर्व काम होगा तो हमारे हलके में भी होगा, ऐसे ही यहाँ पर औद्योगिकरण होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगी, किसान और मजबूत हो, गरीब आदमी के हाथ को काम मिले, तो ये हमारी सबकी कोशिश है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट सख्त हो रही है। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पारदर्शिता को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा था कि जो फंडिंग है उसमें काला धन का बड़ा उपयोग होता है पार्टीज की फंडिंग के लिए, और पार्टियां इसीलिए जो है वो भ्रष्टाचार करती है, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले पूर्ववर्ती सरकारों ने किए, 2G कोला फलाना दगड़ा पता नहीं क्या क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ आकाश पाताल धरती कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, तो इसलिए ये इलेक्ट्रल रोल जो बॉन्ड है वो आया था। और जो लोग ये कह रहे हैं, कल भी बात ये निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड मिले हैं, जितना दूसरे पार्टियां उनको मिले 14,000 करोड़ रुपए, तो आज भी बीजेपी तो बहुत पीछे है। बीजेपी को केवल और केवल ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश हमारे साथ खड़ा है, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, विकास की गति देखना चाहता है, किसान मजदूर गरीब आदमी का, छोटे छोटे दुकानदारों का, कर्मचारियों का राज देखना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए मजबूत बुनियाद ये सब लोग मिलकर के 2024 में फिर रखेंगे।